नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं सुबह की बड़ी खबरें। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मालवनी में राम मंदिर को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया गया। इस आरोप के बाद भाजपा ने अब आक्रामक रूप धारण कर लिया है और यहां के भाजपा नेताओं ने 23 जनवरी को मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और इसके जवाब मांगा। बीजेपी नेता राम कदम ने सरकार की आलोचना करते हुए राम कदम ने कहा, 5 महीने देरी से लोकल ट्रेन शुरू करने का महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। ट्रेन से सुबह 7 बजे से पहले और रात में 9:30 बजे के बाद किसे फायदा होगा? क्या फिर से बार वालों की चिंता? राज ठाकरे 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। यहां आकर वे रामलला का दर्शन करेंगे। उनके साथ उनके बेटे अमित ठाकरे और पत्नी भी होंगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज के साथ क्या पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी रहेंगे। मुंबईकरों को इस समय सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में कई अच्छी खबर मिल रही है। जहां एक दिन पहले राज्य सरकार ने आम लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की मंजूरी दे दी, तो दूसरी तरफ मुंबई मेट्रो ने अपनी सेवाओं के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की। बीएमसी स्कूल के छात्रों के साथ मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने मेट्रो 7 और मेट्रो 2A के पहली मेट्रो कोच का किया उद्घाटन। सभी को लोकल ट्रेन में पूरे समय के लिए यात्रा करने के मिले मंजूरी, नहीं तो भाजपा करेगी जन आंदोलन। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मुंबई की सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, बंदूक की नोक पर नहीं होगी बातचीत। सर्वे में बड़ा खुलासा, देश के 3/4 लोगों ने माना नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बड़ी महंगाई।